जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पूरे भारतवर्ष में लड्डू गोपाल के लिए अपने कान्हा के लिए भोग की थाली सजाई जाती है, जिसमें कई तरह के पाग बनते हैं, जिनमें से सबसे रिच पाग होता है गोंद का। सव्यति स्टाइल में मैं साधना आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का पहला ऐसा चैनल जहाँ यूनिक रेसिपी के साथ साथ उसको सर्व करने के कई सारे आइडियाज़ भी इंजॉय कर सकते हो। गोंद कैल्शियम एंड प्रोटीन में तो रिच होता ही है, इम्यूनिटी एंड स्टेमिना को भी बूस्ट करता है। रिच होने के कारण ये वीकनेस को भी दूर करता है। पाक को बनाने के लिए मैं मावा का भी यूज़ करती हूँ। इसके लिए 5 मिनट के अंदर इंस्टेंट मावा तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच घी डालेंगे और 1/2 कप मलाई वाला दूध डालेंगे। यदि मलाई वाला दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लेन दूध भी ले सकते हो। अच्छे से चलाएंगे बॉईल आने तक और इसमें 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 करके ऐड करेंगे। ध्यान रहे इसमें लम्स ना बनने पाए। गैस की फ्लेम हमने सिम रखी है और लगातार चलाते हुए इसको घोलते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। गैस की फ्लेम सिम रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। यदि नॉन स्टिक पैन है तो ये नीचे पकड़ेगा नहीं, अदरवाइज़ इसमें नीचे लगने का डर रहता है। ये देखिए 5 मिनट के अंदर मावा तैयार हो गया। अब इसको हमने 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, फिर ये इसको हम भूनेंगे पाक बनाने के लिए। इसमें थोड़ा सा हमने घी डाला 1 चम्मच और अच्छे से भून लिया है। भुना हुआ मावा हम यूज़ करेंगे पाक बनाने के लिए। यहाँ मैंने 1/2 कप गोंद लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून घी डाला है और इसको गैस की फ्लेम हमने बहुत कम रखी हुई है, सिम रखी है। इसमें हमने 1 चम्मच और घी डाल दिया है। यदि आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत कम घी का यूज़ करती हूँ और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इसको इस तरह से फुला लेंगे। फ्लेम से नीचे उतारेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और चेक कर लेंगे उंगली से या फिर कटोरी की सहायता से थोड़ा क्रश करेंगे। जो नहीं फूला है, कच्चा रह गया है, उसको अलग कर देंगे और फिर से घी में भून लेंगे। मैं यहाँ पर आपको एकदम अलग स्टाइल का पाक जमाना सिखाऊंगी और मैं पाक में, गोंद के पाक में आटे का यूज़ करती हूँ। नॉर्मल आटा यूज़ कर सकते हैं यदि व्रत में नहीं खा रहे हैं, और व्रत में खाना है तो मैंने यहाँ पर राजगिरा का 1/2 कटोरी आटे को 1 टेबल स्पून घी में भून लिया है। धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे, सुनहरा होने तक भूनेंगे। और अब चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 कटोरी चीनी ली है और 1/4 कप पानी लिया है। अच्छे से चीनी घुलने तक चलाएंगे, लगातार चलाते रहेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। चेक कर लेंगे इसकी लास्ट ड्रॉप, स्पैचुला की जो लास्ट ड्रॉप होती है वो एकदम लंबी तार होना चाहिए, लंबा तार खिंच के रहना चाहिए। इसका मतलब हमारी चाशनी पाक के लिए तैयार है। ये देख ली, ऐसे लंबा सा तार बनना चाहिए, आपका पाक एकदम परफेक्ट बनेगा। जो हमने मावा तैयार किया था इंस्टेंट मावा, उसमें 1/4 कटोरी हमने मावा डाला है और 1/4 कटोरी हमने आटा यूज़ किया है। धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके पाक बनाएंगे। एक बार में बहुत सारा पाक नहीं बनाना चाहिए। अब यहाँ पर हमने 1/4 कटोरी क्रश्ड गोंद डाला है और इसको अच्छे से चलाएंगे, लगातार चलाते रहेंगे। चेक कर लेंगे नीचे से, जैसे ही कढ़ाई छोड़ने लगे, पैन छोड़ने लगे, ये देखिए गोल गोल होने लगा, पैन छोड़ देता है और तुरंत ही इसको जमा देंगे। पहले से तैयारी कर लेते हैं जमाने की। यहाँ पर मैंने आइसक्रीम स्टिक्स लगाई हैं, आप सिंपल स्टिक लगा सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। और नीचे मैं बटर पेपर लगाया है, ऊपर पिस्ते से आप गार्निश कर दीजिए और तुरंत ही आप काट दीजिए। इसमें जो भी शेप आपको देनी है वो दे दीजिए। और ये एकदम यूनिक तरीका है पाक जमाने का।
और सिंपल तरीके से भी आप थाली में भी जमा सकते हो नीचे घी लगा के, लेकिन वो निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यदि आपने बटर पेपर नहीं लगाया नीचे, तो आप 2-3 सेकंड के लिए गैस पर गरम कर लीजिए, तो भी निकल के आराम से इजीली बाहर आ जाता है। और ये तो एकदम ही यूनिक स्टाइल है। तैयारी कर लेते हैं पंजीरी की। यहाँ पर मैंने आधा कप साबुत धनिया लिया है। आप मार्केट मेड भी ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं यूज़ करती हूँ। भोग के लिए बना रहे हैं तो शुद्ध बनाना चाहिए एकदम। और इसको 2 बार छान लेंगे। एकदम हमें महीन धनिया चाहिए। 2 बार छानने के बाद इसको हम थोड़े से घी में, 1 टेबल स्पून घी लिया है, उसमें धीमी धीमी आंच पर सुनहरा होने तक, खुशबू आने तक भूनेंगे। आप ज़्यादा घी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं कम से कम घी यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने आधा कप होममेड बूरा यूज़ किया है। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने सिंघाड़े के लड्डू वाले वीडियो में शेयर की है। यहाँ मैंने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं। ये ऑप्शनल है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो, या आप पाग में जो बच जाता है कटिंग में, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये पाग का चूरा है। अब तैयारी कर लेते हैं पंचामृत की। मैंने यहाँ आधा कप दही लिया है फ्रेश, और इसमें 1 कप मैंने कच्चा दूध डाला है। 1 टेबल स्पून घी यूज़ किया है, और ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं, और 1 टेबल स्पून इसमें गंगा जल डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हनी ऐड करेंगे, और इसमें 1 टेबल स्पून ही हमने बूरा डाल दिया है, और थोड़े से किशमिश डाल दिए हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए। इसमें चिरौंजी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा केसर भी ऐड कर देंगे। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टाइलिश सर्विंग। कुछ इस तरह से हम सर्व करेंगे। सेकंड सर्विंग में मैंने ये पान के कवर्स पान वाली शॉप से लिए हैं, और बीच में मैंने पंचामृत एंड पंजरी रख दी है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है देखिए, और ये कुछ इस स्टाइल से हम सजाएंगे। जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे यहाँ कई तरह के पाग बनते हैं। बाकी के पाग मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। ये वाले पाग बिल्कुल अलग हटकर हैं, और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही यम्मी बनते हैं। और आप इस मेथड से बनाओगे तो आपके पाग 100% अच्छे बनेंगे ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलती हूँ 2 नए और पाक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।